आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कितने दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच एक तरह से विरोध, एक तरह से आप कहिए जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान करने की बात की जा रही है। और एक बात और याद रखिए कि इस तरह का टॉपिक जब भी चर्चा में रहता है तो इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आपकी लिखित परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। और याद रखिए, मुझे लगता है कि अगर ना पूछे जाए फिर भी आपका पड़ोसी है तो इस तरह की जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। और मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कई बार कहा है कि हम अपने पड़ोसियों से ज़्यादा दिन तक अपना विरोध या अपनी दुश्मनी नहीं रख सकते हैं, हमें एक ना एक दिन समाधान निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए आप देखिए कि हमने चाइना से भी एक तरह से समझौता किया हुआ है, पाकिस्तान से भी हम लोग समझौता कर ही रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि पाकिस्तान कब तक इस समझौते पर टिका रहता है, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो आप लोगों ने एक बुंदेलखंड में कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की पूंछ फुगैया में डाली है और जब निकाली वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। तो यही हाल है पाकिस्तान का कि आप देखिए 1965 में हम लोगों ने हराया, 1971 में हम लोगों ने हराया, 1999 में हराया, और जब भी छोटी मोटी मुठभेड़ होती है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी वो अपने जो भी काम रहता है उससे बाज नहीं आता है, वो उकसावे वाली हरकतें करता रहता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो एक बार हम लोग मैप्स में देख लेते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है, भारत कहाँ है, और भारत के बारे में भी कुछ फैक्ट बता देता हूँ और पाकिस्तान के बारे में भी फैक्ट बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने मेन टॉपिक जो है भी समझौता हुआ है उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारी प्यारी पृथ्वी जिसे आप लोग गोला भी कह सकते हैं, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, और एक देश एशिया में ये और है पाकिस्तान, ठीक है, इसी की बात कर रहा हूँ। ऊपर आप चाइना देखते हैं, अफगानिस्तान की सीमा भी हमसे लगती है, नेपाल की भी, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और नीचे श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है? और ये है हमारा प्यारा भारत, और बांग्लादेश माफ करिए ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक है? तो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। और पाकिस्तान को भी देख लीजिए, ये पाकिस्तानी यहाँ अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आपसे अगर ये पूछे कि भारत के कितने राज्यों की सीमा आपकी पाकिस्तान से लगती है तो आप लोग याद रखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा की, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, और लद्दाख की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, याद रखना चाहिए आपको। और अगर चाइना की बात करें तो आप जानते हैं कि लद्दाख की सीमा चाइना से लगती है, हिमाचल प्रदेश की भी, और देहरादून यानी कि उत्तराखंड की भी, और सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, ये पांच राज्य आपके चीन से लगते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी 14 अगस्त 1947 को, और हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, भारत से ही अलग होके पाकिस्तान बना हुआ था। और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद है, और भारत की राजधानी आप सभी जानते होंगे क्या है, आपकी न्यू दिल्ली है, ठीक है? और अगर पाकिस्तान से लगे देशों की बात करें तो आप देखेंगे ईरान से भी इसकी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान से भी इसकी सीमा लगती है, और यहाँ भारत से भी लगती है, ठीक है, याद रखिए आप लोग। और नीचे अरब सागर आप लोग देख रहे होंगे। भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा जिसे आप लोग LLOC कहते हैं, और अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 2003 में जो एक तरह से समझौता हुआ था उसी पर सहमति बन चुकी है। लेकिन याद रखिए, इस तरह का समझौता आप समझ सकते हैं कि 2003 में भी हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें की है, तो ये आने वाला समय ही बताएगा क्या स्थिति रहती है। यह समझौता जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा जिसे आप लोग LOC कह देते हैं, और अन्य क्षेत्रों में क्रॉस फायर वायलेशन की 5,000 से अधिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, और वर्ष 2020 में ऐसे 46 प्राण घातक हमले हुए। आप समझ रहे हैं, यह निर्णय दो डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच वार्ता के बाद लिया गया था। और याद रखिए, ये आप देख रहे हैं कि पहले जम्मू कश्मीर आपका एक हुआ करता था, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया, लद्दाख अलग बना दिया गया। और याद रखिए, दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फर्क इतना है कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी होगी, लेकिन लद्दाख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि ये क्षेत्र चाइना के कब्जे में है हमारा,
जिसे आप लोग अक्साई चीन कह देते हैं। इस लाइन को आप लोग LAC भी कह देते हैं, जिसे आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कह देते हैं, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। इस लाइन को आप लोग LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण रेखा। इसे POK कह देते हैं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के एक तरह से पाकिस्तान कब्जा किए हुए है इस हिस्से पर, है हमारा लेकिन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, ठीक है, पाकिस्तान ओकोपर्ड यानी कि पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है कुछ, ठीक है, याद रखिए। 2003 के सीज फायर समझौते की अगर बात करें हम लोग, तो कारगिल युद्ध आप सभी को मालूम होगा कि कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, कि 4 वर्ष बाद नवंबर 2003 में मूल युद्ध विराम समझौता हुआ था, और वर्ष 2003 का युद्ध विराम समझौता एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने वर्ष 2006 तक नियंत्रण रेखा पर शांति कायम की थी। आप समझ सकते हैं कि 2003 से 2006 तक बिल्कुल शांति रही है। 2003 और 2006 के बीच भारत और पाकिस्तान के जवानों द्वारा एक भी गोली नहीं चलाई गई थी, वो आप समझ सकते हैं कि बहुत शांति का समय रहा है। लेकिन वर्ष 2006 के बाद से संघर्ष विराम का उल्लंघन की घटनाएं की आवृत्ति बढ़ी, यानी कि इस तरह की घटनाएं बढ़ी, ठीक है, 2006 से। बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता की अगर बात करें, तो कई संकेतों से पता चलता है कि बैक चैनल की डिप्लोमेसी के माध्यम से वार्ता को आगे बढ़ाया गया, और इसने दोनों पक्षों के बीच संयुक्त बयान देने में सहायता की है, और इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करने के प्रस्ताव रखे जाने के साथ हुई है। आप भी जान रहे हैं और पाकिस्तान भी ये जान रहा है कि जो होना था जम्मू कश्मीर हो चुका है, जम्मू कश्मीर में अब बदलने वाला नहीं है कुछ, तो अब समझौता ही करने से एक तरह से रास्ता निकल सकता है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपने देखा है कि सब कुछ हो चुका है, अब कुछ मोह बजाने से होने वाला नहीं है, ये पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जान चुका है। और याद रखिए, पाकिस्तान बहुत कुछ चाह रहा है हमारे हमसे। अभी आप वैक्सीनेशन को देखिए, हमने वैक्सीन बनाई हुई है और बड़ी सस्ती वैक्सीन है, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि एक तरह से हमें भी ये मिले, इसीलिए आप देख रहे हैं कई प्रस्तावों का समर्थन भी पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने COVID-19 को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण एशियाई स्तर पर सहयोग के लिए भारत के 5 प्रस्तावों का समर्थन भी किया है, समझ रहे हैं आप लोग। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रीलंका दौरे के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग की अनुमति दी है, जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के लिए $50 मिलियन की नई क्रेडिट लाइन की घोषणा की है। एक तरह से आप समझिए कि यहां से पाकिस्तान से यहाँ के प्रधानमंत्री को कहाँ जाना था, श्रीलंका, तो हम लोगों ने हवाई क्षेत्र अपना एयर स्पेस दिया हुआ था कि चलिए यहाँ से आप लोग चले जाइए, आप समझ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा हवाई स्पेस बंद किए हुए था पाकिस्तान, लेकिन हम सोचते हैं बड़े दिल वाले होते हैं हम लोग, इसलिए कह देते हैं जाइए लीजिए कर लीजिए, ठीक है। और याद रखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आप समझिए, खुद के घर में खाने के लिए नहीं है, फिर भी पाकिस्तान देखिए आप लोग की चाहे एक तरह से श्रीलंका को लोन दे रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोन, जो भी पैसा देने की बात की जा रही है, जो भी आप समझ सकते हैं मुद्रा है, जो भी है, ये चाइना किसे दे रहा है, पाकिस्तान को, और पाकिस्तान किसे दे रहा है, श्रीलंका को, इस तरह की बात की जा रही है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास खुद पैसा नहीं है, वो दूसरे को उधार क्या देगा। हालांकि वैक चैनल वार्ताओं के इन स्पष्ट संकेतों के दौरान दोनों पक्षों ने कश्मीर मुद्दे पर अपनी स्थितियों को बनाए रखा है, और नवंबर 2020 में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांतीय दर्जा प्रदान किए जाने के बाद भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान को भारत का अभिन्न अंग भी बताया था, यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा अंग है, कौन सा, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। बस 2003 के समझौते के संबंध में नवीनतम पुनः प्रतिबद्धता के महत्व की बात करें, तो यह समझौता कश्मीर में जमीनी स्तर पर सुरक्षा स्थिति के सुधारने में योगदान दे सकता है। भारत पर यह आरोप लगाता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन का उद्देश्य आतंकवादियों को घुसपैठ कराने के लिए कब्र प्रदान करना होता है, और दुनिया भी इस बात को जानती भी है। अब घुसपैठ की कोशिश कम हो सकती है तथा सीमा पर पार आतंकवाद को रोकने संबंधी भारत की प्रमुख मांग पर भी कोई रास्ता निकाला जा सकता है।
अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया विकास की अगर बात करें हम लोग, तो दोनों पक्षों के संबंधों का चरम स्तर पिछली बार वर्ष 2015 में क्रिसमस के दिन देखा गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री एक अघोषित यात्रा के तहत पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने लाहौर गए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जा रही है। इन्होंने 2015 में, आप लोगों ने देखा होगा कि ये पाकिस्तान की यात्रा भी कर आए हैं। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर हमले के कारण दोनों पक्षों के बीच संवाद जल्द ही टूट गया, जिसके बाद उरी में एक चौकी पर हमला किया गया और भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के साथ प्रतिक्रिया भी दी थी। और 14 फरवरी 2019 को आप लोगों ने देखा होगा पुलवामा आतंकी हमले और भारत द्वारा बालाकोट ऑपरेशन के कारण द्विपक्षीय संबंधों में लगातार गिरावट भी आती रही है। और अभी तक आप देख रहे थे कितने निचले स्तर तक, आप समझिए जितने बुरे रिश्ते हो सकते थे उतने देखे गए। अगर LOC की हम लोग बात करें, नियंत्रण रेखा से भी आपका कभी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर मुद्दे के युद्ध के बाद घोषित वर्ष 1948 की संघर्ष विराम रेखा ही बाद में नियंत्रण रेखा के रूप में सामने आई है। और इसी को आप कह सकते हैं कि कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक गलती हुई कि इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए इस मुद्दे को, वरना आप समझ सकते थे कि कहा जाता है देखिए ऐसा। लेकिन आप समझिए उस समय की स्थिति के हिसाब से उन्होंने भी अपना जो भी निर्णय लिया हो, समझ रहे हैं। दोनों देशों के बीच वर्ष 1972 की शिमला समझौते के बाद इसे LOC के रूप में नामित किया गया। LOC का सीमांकन दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पॉइंट NJ 9842 तक किया गया है और LOC को दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक नक्शे पर चित्रित किया गया है और यह एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कानूनी समझौता भी है। और इन दो बातों को भी आप लोगों को याद रखना है कि LOC भारत पाकिस्तान के बीच एक तरह से सीमा है, ठीक है। क्या सीमा है कि जो POK वाला हिस्सा है और भारत का हिस्सा है उसके बीच की बात, जो विवाद एक तरह से बात की जा रही है। और LAC की बात आ रही है तो चाइना और एक तरह से भारत, ठीक है, जो आप अक्साई चीन देखते हैं ना और भारत के बीच बीच में एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। और वैसे मैकमोहन रेखा आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के, भारत और चाइना की सीमा को अलग करती है। और पाकिस्तान की बात करें तो आप देखते हैं रेड क्लिप रेखा है, ठीक है, ये पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा की बात करता है। बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात करें तो बैक चैनल डिप्लोमेसी आधिकारिक नौकरशाही संरचनाओं और प्रारूपों के बाहर अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने तथा विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राजनयिक रणनीतियों में से एक है। इसका एक अन्य उद्देश्य सूचना की गोपनीयता सुनिश्चित करने और उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने तक आधिकारिक स्रोतों और मीडिया की पहुंच से दूर रखना है। आगे की राय क्या हो सकती है इसे भी आप लोग जान लीजिए। विश्वास निर्माण उपायों को ट्रस्ट डेफिसिट कम करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए, लेकिन विवादों के समाधान के विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। साझा हितों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग और व्यापार की सुविधा होनी चाहिए। आतंकवाद और गैर राज्य अभिकर्ताओं की समस्याओं को संस्थागत तंत्र के माध्यम से संयुक्त रूप से संबोधित किए जाने की आवश्यकता भी है। यदि युद्ध विराम को लेकर नया संकल्प लाया जाता है तो दोनों देशों के बीच माहौल और बेहतर बनेगा तथा कई अनसुलझे मुद्दों का समाधान किया जाएगा, जिसमें दोनों तरफ पूर्ण शक्ति प्राप्त राजनयिक मिशनों की बहाली भी शामिल होगी। आप सभी लोगों को यह भी मालूम होगा कि कितना हम लोग एक तरह से नुकसान उठाते हैं। अब पाकिस्तान की छोड़िए, आप लोग हम लोगों को ही देख लीजिए कि हमारे आए दिन सुनते रहते हैं हमारे इतने सैनिक शहीद हो चुके हैं। आप समझिए अगर पाकिस्तान भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि 21वीं सदी एशिया की सदी मानी जाती है, खासतौर पर भारत और चाइना की, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भारत चाइना के बीच अच्छी जनसंख्या है, अच्छा मार्केट है, अच्छा बाजार है। और आप समझ सकते हैं कि बाजार ही आजकल सब कुछ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सभी देश एक दूसरे से किस तरह से विरोध करते हैं, दुश्मनी रखते हैं,
उसका परिणाम दूसरा एक तरह से उसका कोई और फायदा उठा लेता है। ठीक है, तो यही कहानी अभी हाल ही में जो भी हुआ है इसके भाई, और यही पॉइंट याद रखा करिएगा, कई बार इसके इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है आपसे।